वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा दर्शवी के फैन से आ रहे एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, देखिए अब आप लोग सोचेंगे ऐसा कौन सा डिमांडिंग टॉपिक है, तो देखिए उनका नाम निकल के आ रहा है निकोलस पूरन। यानी कि निकोलस पूरन को क्या आरसीबी टीम दिखाया है, तो अपनी टीम में ट्रेड करवा सकती है एलएसजी की टीम से, क्योंकि अगर आप लोगों ने लास्ट सीजन देखा होगा, देखा जाए एलएसजी से बहुत ज़्यादा अच्छा गया था निकोलस पूरन का। और अभी आईएल टी20 लीग चल रही है, वहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे भाई, वे बेस्ट इंडीज के लिए उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। तो क्या आरसीबी के फैन सोच रहे हैं क्या निकोलस पूरन आरसीबी टीम में ट्रेड हो सकते हैं, कि आरसीबी टीम उन्हें ट्रेड करवा सकती है, और ट्रेड करवाती है तो क्या आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर और ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगा, जो देखा जाए ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें देखिए निकोलस पूरन की, तो निकोलस पूरन आपके लिए देखा जाए विकेट कीपिंग का ऑप्शन लेते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आरसीबी मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल दिनेश कार्तिक को रिलीज करेगी ही करेगी अपनी टीम से। तो मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक अगर जैसे ही आरसीबी टीम से रिलीज होते हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आराम से आरसीबी टीम दिखाए तो निकोलस पूरन को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेड की, क्या आरसीबी टीम एलएचजी टीम से ट्रेड करेगी, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आरसीबी टीम को देखा जाए निकोलस पूरन को ट्रेड करना है, तो उन्हें कम से कम कैमरन ग्रीन को तो ट्रेड करना ही पड़ेगा अपनी टीम से। तो वहां पे आपको कैमरन ग्रीन देखने को मिलेंगे एलएचजी की टीम से, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं देखा जाए निकोलस पूरन आरसीबी की टीम से देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी सिनेरियो बनेगा, बनना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है कि निकोलस पूरन आप लोगों को अभी फिलहाल देखा जाए आईपीएल की 2024 के ट्रेड विंडो में आरसीबी की टीम में एंट्री मारती हुई नजर आए। मेरे हिसाब से अगर 2024 के बाद जब भी मेगा ऑक्शन होगा, तब देखा जाए एलएचजी टीम तीन या चार रिटेन करेगी, उसके बाद वो अगर एलएजी टीम निकोलस पूरन को रिलीज करते हैं, तब मेरे हिसाब से कोई ना कोई फ्रेंचाइजी आराम से निकोलस पूरन को अपनी लेगी, चाहे फिर वो आरसीबी टीम ना क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से आरसीबी टीम करेगी, लेकिन अभी इस ट्रेड विंडो में तो बिल्कुल भी आप लोग ना की ना चांसेस मान के चले, कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है कि निकोलस पूरन आप लोग को आरसीबी की टीम में देखने को मिले। मेगा ऑक्शन में कुछ सिनेरियो बनेगा, तब जाके आरसीबी टीम निकोलस पूरन को जरूर अपनी टीम में शामिल करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये सारी की सारी अपडेट निकल के आ रही थी, जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।